90 हर्ट्ज स्क्रीन, 260,000 अंतुतु स्कोर, एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, जी हाँ, ऑल एट अ प्राइस ऑफ 9,999 इफेक्टिव प्राइस। मैं बात कर रहा हूं हॉट 12 प्रो के बारे में। एक बात मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, इन्फिनिक्स फोन जो है ना, उनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन बजट सीरीज में अगर आप देखोगे, दे आर डूइंग रियली गुड। अगर उनके फोन्स भी आप देखोगे 10, 11, 12, 13 हजार इस प्राइस रेंज में, दे आर रियली वैल्यू फॉर मनी, एंड हॉट 12 प्रो इज नो डिफरेंट। बहुत सारी चीजें इसमें अच्छी है, कुछ कुछ चीजें इतनी अच्छी नहीं है। सब कुछ आज के अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन में बताने वाला हूं, सो स्टे विथ मी टिल दी एंड। इंटरेस्टिंग फोन है, अगर आप बजट में एक अच्छा फोन ढूंढ रहे हो, Hot 12 Pro might be the answer. All right, green box, Hot 12 Pro, 50 megapixel camera है पीछे की तरफ। All right, this is 8128 variant जो effectively 11,000-11,500 में आपको मिलता है। इसकी price 13,000 है, but 11,000 में 8128 variant, wow! And base जो variant है 9999 में, वो 6GB का है। That is very interesting. Let's open. Okay, green, green, green सब जगह पे 8+120. ओके, बात करने वाला हूं उसके बारे में। दिस इज नॉर्मल 18 वॉट चार्जर, केस आती है, यस, एंड देन यू हैव दिस। ओह गॉड, वेलकम टू एक्स क्लब एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड सिम कार्ड टूल। जी हाँ, जो ज्यादा कोई देखता नहीं है, सिम कार्ड टूल की जरूरत पड़ती है, लेकिन USB टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल है, सो दैट इज गुड। एंड देयर इज अ केस जो अच्छे क्वालिटी की है, एंड इंटरेस्टिंग फोन, क्योंकि पूरा ओपन नहीं है ये, देखिए। सो फोन का जो कटआउट है थोड़ा अलग है। लेट्स कीप दिस असाइड, रखते हैं साइड में, देखते हैं फोन के पास। एक बात बताऊं दोस्तों, दिस फोन फील्स गुड इन हैंड, डेफिनेटली। पतला है, हल्का भी लग रहा है। खोलना कैसे है भाई इसे? ये कंपनीज इजी क्यों नहीं बनाती है फोन के कवर को निकालने, और मुझे निकालना सीधा ऐसे फाड़ के निकालने में मजा नहीं आता, जो आवाज आता है ना, दैट इज वेरी सैटिस्फाइंग। ऑल राइट, नॉट बैड फॉर अ 10,000-11,000 रुपी फोन। जो डिजाइन है दोस्तों अच्छा है, रेयर फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, एंड कैमरा सेटअप भी देखिए, ऐसे लगता है कि दो बड़े बड़े कैमराज हैं, बट इट्स प्राइमरी 50 मेगापिक्सल एंड दूसरा डेप्थ है, सो एक ही सेंसर मैं कहूंगा, बट फील्स गुड। फ्लैट साइड्स वगैरह हैं, 3.5mm जैक है, ऊपर नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन नहीं है, और साइड में सिम कार्ड ट्रे है, जो कि इट शुड बी अ डेडिकेटेड स्टोरेज वाला कार्ड। यस, ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, मतलब एक्सपेंडेबल स्टोरेज है, 256GB तक आप एक्सपेंड कर पाओगे, सो दैट इज ऑल गुड। स्क्रैच गार्ड आता है, जो मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, इट इज अ वेरी गुड, नाइस, ओके, ओवरऑल वेरी वेरी नाइस इन हैंड फील। वेट के बारे में बात करूं दोस्तों, लेट्स सी, ग्राम्स, मतलब 189 ग्राम्स है, बट फील्स नाइस, नॉट वेरी हैवी, नॉट वेरी लाइट, बट हल्का लगता है हाथ में, शायद मैं ज्यादा हैवी फोन इस्तेमाल करता हूँ इसलिए, माइट बी। ऑलराइट, फोन के बाहर तो सब कुछ देख लिया दोस्तों, लेट्स सी इनसाइड। वैसे पीछे इट्स प्लास्टिक, इट्स नॉट ग्लास, गिरा के देखना है जब तक स्टार्ट हो जाता है। चलिए गिराते हैं इसे। बजट फोन है तो इसकी क्वालिटी जो होती है वो टेस्ट करनी, बिल्ड क्वालिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ठाक है दोस्तों, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम्स, अभी भी स्टार्ट हो रहा है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले दोस्तों। इसका जो डिस्प्ले है, दैट इज 6.6 इंच का HD प्लस डिस्प्ले, FHD नहीं है, HD प्लस डिस्प्ले है। 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट लेकिन आता है, सो दैट इज गुड। 418 इट्स ब्राइटनेस है, एंड 99% sRGB है, तो कलर एक्यूरेसी भी अच्छी। वैसे अगर ग्लास प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं तो पांडा ग्लास आता है। ऑलराइट, ये जो डिस्प्ले है दोस्तों, इट इज क्वाइट ब्राइट, जैसे मैंने कहा 418 इट्स ब्राइटनेस है इसमें। अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये आता है यूनिसॉक T616 इस प्रोसेसर के ऊपर, जो 12nm प्रोसेसर है, बट इट इज अ गुड प्रोसेसर फॉर द बजट रेंज। इसका अंतुतु स्कोर जो है वो 2,60,000 के करीब आता है, विच इज क्वाइट गुड इन दिस प्राइस रेंज। क्यों? क्योंकि आप लो टू मीडियम सेटिंग्स पे भी आप प्रॉपरली गेम्स खेल पाओगे, 90 हर्ट्ज होने की वजह से दैट गेमिंग इज क्वाइट गुड। और एक चीज की वजह से परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, UFS 2.2 स्टोरेज, तो रीड एंड राइट स्पीड जो है वो अच्छा है। LPDDR4X रैम है, 5000mAh की बैटरी आती है, तो बैटरी आपको आराम से एक दिन डेढ़ दिन तक तो जाएगी, अगर मॉडरेट यूसेज करोगे, हैवी यूसेज में भी दिन भर जाएगी। 18 वॉट चार्जिंग है, थोड़ा फास्ट होता ठीक होता, बट अगेन प्राइस पॉइंट, यू हैव टू लुक एट दैट। वैसे वर्चुअल
रैम भी आती है इसमें, अगर आप इफेक्टिव प्राइस वाला जो 999 वाला वेरिएंट है 6GB का वो लोगे तो 3GB वर्चुअल रैम मिलेगी, 8GB वेरिएंट लोगे तो आपको 5GB वर्चुअल रैम मिलेगी। और इसके बारे में बात करूं तो XOS 10.6 आता है इसके अंदर, विच इज बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12। यस, प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं इसके अंदर, जनरली हमने वो देखा हुआ है इन्फिनिक्स फोन्स में, सो दैट इज ऑल्सो देयर। वैसे दोस्तों आपको बता दूं अपडेट्स के बारे में इन्फिनिक्स ने कुछ भी कमिट नहीं किया हुआ है, सो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। रेयर माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक भी आता है, दे वर्क क्वाइट वेल। लेट्स टॉक अबाउट मल्टीमीडिया, बड़ी स्क्रीन आती है 6.6 की HD प्लस इंडोर्स, तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, आप शेड में हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा देखने में, डिसेंट व्यूइंग एंगल्स वगैरह, तो डिसेंट मैं कहूंगा डिस्प्ले है। लेकिन याद रखिए हार्श सनलाइट में अगर आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो देन यू माइट स्ट्रगल। अगर ऑडियो के बारे में बात करूं तो DTS ट्यून्ड ऑडियो है जो लाउड है और क्वालिटी मैं कहूंगा ठीक ठाक। चलिए क्विकली बाकी के छोटे छोटे फीचर्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। FM रेडियो आता है इसके अंदर, वाइडवाइन L3 का सपोर्ट है एंड HD स्क्रीन है, सो आई एम ओके विद वाइडवाइन L3। कैमरा टू API का सपोर्ट है, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये वाटर ड्रॉप नॉच है थोड़ा डेटेड ऑब्वियसली लगता है, क्योंकि इन्फिनिक्स के ही फोन है 10,000 के नीचे जो पंच होल के साथ आते हैं, तो अगर वो होता तो वाओ, आई मीन दैट वुड हैव बीन रियली गुड। ओके, लेट्स टॉक अबाउट कैमरास दोस्तों। पीछे की तरफ आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 50 megapixel प्लस डेप्थ सेंसर है, और आगे वाटर ड्रॉप नॉच में आपको 8 megapixel का सेंसर मिलता है। अब 50 megapixel के जो कुछ फोटोज हैं वो हमने खींचे हुए। एक चीज अच्छी है दोस्तों, अगेन उन्होंने दूसरा सेंसर नहीं दिया, 50 megapixel का सेंसर दिया हुआ है, विच इज डिसेंट, इट क्लिक्स डिसेंट फोटोग्राफ अगर आपकी लाइट्स वगैरह जो है अच्छी है। बहुत सारे फोटोज हमने खींचे हुए हैं, अलग अलग कंडीशन में खींचे हुए हैं और ओरिजिनल क्वालिटी में हमने सेव किए हुए हैं जी ड्राइव, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इफ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक दैट आउट। वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करूं तो फुल HD 1080p रिकॉर्डिंग आगे और पीछे से कर पाओगे, नो 4K हियर। सुपर नाइट मोड आता है इसमें एंड यस AR शॉट्स भी है। सो फीचर्स के मामले में देयर आर सम फीचर्स व्हिच आर क्वाइट गुड। दोस्तों अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो दिस इज अ 4G फोन, ऑब्वियसली 10,000 की प्राइस रेंज में, अभी तक 5G ज्यादा दिख नहीं रहे, शायद अगले 6-8 महीने में आ जाएंगे। दिस इज अ 4G फोन, डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट आता है। सो दैट इज व्हाट हॉट 12 प्रो इज फॉर यू, इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो। जी हाँ, अगर आपका बजट 10,000-11,000 रुपए का, इनफैक्ट मैं कहूंगा 6GB के बजाय आप 8GB वेरियंट लीजिए जो 13,000 का है, बट अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर 2,000 ऑफ मिल रहा है, विच मेक्स इट 10,999, मतलब 11,000 में आपको 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज मिल रहा है, एंड जो 664 वेरियंट है 9,999 में मिल रहा है इफेक्टिव प्राइस। फॉर दैट प्राइस मैं कहूंगा इसका जो परफॉर्मेंस है वो सही में अच्छा है, परफॉर्मेंस इज द बिग हाईलाइट, बड़ी स्क्रीन वगैरह आती है एंड 50 megapixel का जो प्राइमरी सेंसर है दैट इज आल्सो डिसेंट इनफ। इन्फिनिक्स फोन का एक चीज मैं डेफिनेटली पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि अपडेट्स के बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर इसको अपडेट्स मिलेंगे या नहीं, सो दैट कैन बी वन ऑफ द डाउनसाइड्स। वैसे दोस्तों अगर आपको इन्फिनिक्स हॉट 12 प्रो के बारे में कोई भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। और भी कुछ है, यस यू कैन आस्क, गिव अस फीडबैक, सब्सक्राइब नहीं है वो भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।